हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पैडागॉजी में समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पैडागॉजी इज इंक्लूसिव एजुकेशन। मैं इसको इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, तो जब मैंने अपनी तैयारी करी थी सीटेट या फिर यूटेट के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पे या इस चैप्टर पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि इस टॉपिक से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इसको इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी इसे इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ द टाइम या हर साल हम कह सकते हैं 5 क्वेश्चन तो आपके पैडागॉजी में बनते ही बनते हैं। 5 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 30 में से 5 आपके यहाँ कवर हो जाते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर, जो फर्स्ट पोर्शन होता है पैडागॉजी वाला होता है, CDP वाला, उसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट पैडागॉजी होती है वहाँ पर भी ये टॉपिक या ये चैप्टर आपके क्वेश्चंस कवर करता है। तो आप इसमें मान लीजिए आपको इससे 8 या 9 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, इसका कोई भी टॉपिक आपको छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना जरूरी है, हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं केवल टीचिंग एग्जाम्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एग्ज़ाम है, तो हमें ये नहीं देखना है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। जब आप क्या पे फोकस करोगे ना, तो आपका जो एग्जाम निकालना होगा वो ज्यादा इजी हो जाएगा। कितना आप क्वांटिटी पे फोकस ना करिए, बजाय आप क्वालिटी पे फोकस करिए। तो क्वालिटी में आप ऐसे टॉपिक जिनसे हर साल क्वेश्चन बनने ही बनने, तो आप उस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़िए मत, इसको स्किप मत करिए। तो समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके 8 या 9 क्वेश्चन कवर हो जाने। 8 और 9 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं किसी भी एग्जाम में, ये आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं या कौन से टॉपिक्स जो होते हैं ये इस चैप्टर के अंदर आते हैं समावेशी शिक्षा में। तो समावेशी शिक्षा के अंदर हमको 3 जो है टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, या 3 जो इसमें कंसेप्ट है वो देखने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो एक सबसे पहले मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं या कुछ बता दूं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसके बारे में एक भ्रांति बनी हुई है कि जो बच्चे विकलांग होते हैं या फिर डिसेबल्ड होते हैं, केवल इंक्लूसिव एजुकेशन उन तक ही सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव का अर्थ ही है कि जो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाया किसी भी रीजन से, उन बच्चों को शिक्षा में शामिल करना। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें जो आपको पढ़ना है, आज हम मेन बात यही करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, जो बच्चे हैं विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान करना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, जैसे आप मान सकते हो, SC ST बैकग्राउंड से आते हैं, OBC से आते हैं, जिनको पुराने समय से ही हमारे जो शिक्षा का जो नियम रहा उनमें उनको शिक्षा नहीं मिल पाई कुछ भी रीजंस की वजह से, तो उन बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करना। अभी तक जो हमारा जो मेन होता था ना, जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसी ही पॉइंट पे फोकस करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान करना और उनको शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है इसका कि विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान करना, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज एंड इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो जो बच्चा इम्पेयर्ड है या फिर जिसको लर्निंग डिफिकल्टीज है या फिर उसको किसी प्रकार की आवश्यकता है, ऐसे बालकों की पहचान करना और उनको फिर जो सामान्य बालक है, जनरल बालक है, उसी श्रेणी में उनको शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करना, ये भी हमारा समावेशी शिक्षा का एक टॉपिक हो गया। अब तीसरा जो टॉपिक है हमारा जो समावेशी शिक्षा में हमें पढ़ना है, वो है एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड चाइल्ड। अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो डिसेबल्ड था, जो बच्चे डिफिकल्टी फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जो प्रतिभाशाली है, सृजनशील और विशिष्ट बालक है, ठीक है, जो टैलेंटेड है और क्रिएटिव है, ये बच्चे भी आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में ही शामिल होते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई आपने कैसे करनी है, वो भी आपको इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना पड़ेगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि समावेशी शिक्षा या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है
बहुत सारी विविधताओं का देश है, यहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म या फिर आप बोल सकते हो इस टाइप के लोग रहते हैं, जिनकी आर्थिक सामाजिक सब तरह के जो रीति रिवाज है वो अलग अलग होते हैं। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, इसका जो मेन मोटो है, मेन उद्देश्य है, वो यही है कि समाज के सभी वर्ग के बच्चों को, सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जो कि हमेशा शिक्षा से वंचित रहे। तो अब सभी वर्ग के बच्चों से मतलब ही आपका ये है कि जो विविध पृष्ठभूमि से बालक आ रहे हैं, जिनको कि पहले से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, उन सभी बालकों को समावेशी शिक्षा में इंक्लूड करना, ये ही आपका समावेशी शिक्षा का महत्व है या फिर तात्पर्य है। ठीक है, इसके अंदर आपके निर्धन वर्ग के बच्चे आ सकते हैं, या फिर पिछड़े आ सकते हैं, या फिर पिछड़े हो सकते हैं, या फिर SC ST OBC, ये सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको किसी भी रीजन की वजह से, जिनका साक्षरता दर कम है और जिनको किसी भी रीजन से शिक्षा में पीछे रखा गया है, वो सारे बच्चे इसी के अंदर आएंगे। और इन्हीं बच्चों के उद्धार के लिए ये समावेशी शिक्षा का जो टर्म था, ये शिक्षा में जोड़ा गया। अब सबसे लेकिन अभी तक जो समावेशन का अर्थ जाना जाता था, तात्पर्य, वो केवल विकलांग बच्चों से जाना, विकलांग बच्चों को जोड़ के जाना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, विकलांग बच्चों को ही समावेशन में इंक्लूड नहीं करना है, इसमें वो सारे बच्चे होने चाहिए जिनका, मतलब इनमें सारे बच्चे होने चाहिए जो शिक्षा से वंचित ना रहे, वो जो किसी भी रीजन से शिक्षा से वंचित रहते थे। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान हो। ठीक है, अब समावेशी स्कूल में क्या होता है कि जो समावेशी या इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं, उनमें जो जनरल बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ विकलांग बच्चे या फिर अन्य पिछड़े निर्धन बच्चे होते हैं, उनको साथ में पढ़ाया जाता है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही बनता है। अब है उद्देश्य, समावेशी शिक्षा को क्यों लाया गया था या फिर इसको क्यों प्रयोग किया जाता है समावेशी शिक्षा को। पहले भी तो होता था कि जनरल बच्चे अलग पढ़ते थे या फिर विकलांग बच्चे अलग पढ़ते थे, लेकिन फिर ये समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट क्यों लाया, तो सबसे पहले इसीलिए लाया गया कि जो बच्चों में भ्रांतियां होती हैं कि विकलांग बच्चों के साथ पढ़ने से, कई लोगों में, माता पिता में भी ये भ्रांति होती है कि अगर उनका बच्चा विकलांग बच्चों के साथ पढ़ेगा तो वो भी विकलांग हो जाएगा या उसको भी इसका दुष्प्रभाव होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा का कंसेप्ट लाया गया है, इसी वजह से। और उसके बाद इसके दूसरा है कि इसके उद्देश्य है कि बच्चों में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, जागरूकता इसकी समावेशी शिक्षा की वजह से जागरूकता पैदा करना और उनमें उत्सुकता की भावना पैदा करना, ताकि वे प्रखर या प्रखर बन सके। ठीक है, उसके बाद है लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, ये सारे जो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना और एकजुटता की भावना पैदा करना, ये सारे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हो गए। इन्हीं उद्देश्यों की वजह से जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है हमारी शिक्षा में जोड़ा गया है। तो आज के लिए ये सब मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया समावेशी शिक्षा का, इसका वन बाय वन मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तब तक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स।